surveille de mes noces, ô grand Dieu, que la nuit dure. La surveille de mes noces, ô grand Dieu, que la nuit dure. Je mis la tête à la fenêtre, vis la lune au coin du bois. Hello guys, welcome back to my channel. Sorry for being so awkward, but I am at the airport. I am with Naresh bhai, who couldn't come to Paris because of his reasons, and I'm gonna miss him. Mera outfit dikha do apko ek baar. And why aren't you in uniform? Itna zyada lounge wear pehna hua maine abhi kyunki sorry. Everybody's watching. मेरी फ्लाइट 12 आवर्स की है, नॉट 12, आई थिंक इट्स मोर देन. मैं तुम लोग को बहुत मिस करूंगा. सेम, बिकॉज मैं नहीं आ पा रहा हूँ. आई विल गोना मिस हर. और अच्छे से एंजॉय करके आना. श्योर श्योर. मेरी फ्लाइट जो है वो 18 आवर्स कुछ की है, एंड आई हैव नो आइडिया हाउ आई एम गोना डू दैट, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है इतनी लंबी फ्लाइट में, इसलिए मैं पूरी तैयारी करके आई हूँ. मेरे बैग में दुनिया भर का सामान पड़ा हुआ है, एंड मैंने इसलिए पजामास पहने हुए हैं. जस्ट गोइंग देयर टू चिल. या आई एम एक्साइटेड. दिस इज माय नेल्स बाय द वे, सो क्यूट. आई हेट रेड बुल एक्चुअली. मेरे को रेड बुल मतलब मैं पीती नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अभी पीना पड़ रहा है बिकॉज मैं सिर्फ 5 घंटे सोई हूँ, एंड आई थिंक आई नीड कैफीन. बट अभी मैं कॉफ़ी नहीं पी सकती क्योंकि इट्स so hot. Cheers to Red Bull. I've seen you in a movie, I heard you in a song. Now I know that this will never go wrong. Like you already knew me, that's why we get along. Yeah, I know that this will never go. फ्लाइट है 4 बजे, एंड अभी बज रहे हैं 9:40. इट्स लाइक हमारे पास 6 घंटे हैं. हमें एंट्री नहीं मिल रही, ना इमिग्रेशन में एंट्री मिल रही है, ना लाउंज में एंट्री मिल रही है. हमारे सारे सपने चकनाचूर हो गए लाउंज में बैठने के. तो अभी हम यहाँ 3 घंटा वेट करेंगे. हेलो, लाउंज एक्सेस इनके कार्ड से हमें मिलने वाला है आज. मेरे फ्रेंड ने मुझे इंडिया से स्वीट्स और नमकीन लाने बोला था क्योंकि वो बाहर रहता है, तो उसके पास वहाँ नहीं मिलता. तो मैंने सोचा मैं एयरपोर्ट पे ले लूँगी ड्यूटी फ्री में, क्योंकि शायद सस्ता मिलता हो वगैरह, क्योंकि मैं कैरी नहीं करना चाहती थी. गेस करो मुझे एक मिठाई का डब्बा और 2 20 रुपये के नमकीन मुझे कितने में मिले? 2800 रुपीज़ की नमकीन है गाइस. ये मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है. मतलब 150 रुपये का भी नहीं है. वो किस बात का ड्यूटी फ्री है मुझे बताओ? वट काइंड ऑफ ड्यूटी इज फ्री? हमें लाउंज में कहाँ मिला? फ्री बुफे और मुंह धोने को जगह और बैठने के लिए पिल्लो. दैट्स इट. 2 रुपये सिर्फ. 2 रुपीज़. इस लाउंज में प्रीमियम वाली बात नहीं है भाई. इकोनॉमी क्लास लग रही है, बट स्टिल बेटर देन सिटिंग ऑन द बेंचेस. मेरा प्लान है कि मैं अभी सो जाऊँगी, फिर नेचुरली जब नींद खुलती है 6-7 घंटे में उठ जाऊँगी, फिर मैं मूवी देखूँगी. सिया इन पेरिस. In the dark, oh God, there's something about the sound of you is stuck in my head. I'm hopelessly romanticizing all that you said, even though I see that I'm in too deep. I still. Bonjour. हम पेरिस एयरपोर्ट पे हैं, and we got our bags. हमारे लिए स्पेशल ड्राइवर इज वेटिंग. ड्राइवर मे बी डजंट स्पीक इंग्लिश एंड वी डोंट स्पीक फ्रेंच. जिन्हें फाले पाफों से वन थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन इज द पेरिस इज कोल्ड एज कम्पेयर टू इंडिया ऑब्वियसली, बट इट्स लाइक रियली कोल्ड. एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग लाइक 12-15 degrees, जो कि आई कैन बेयर, बट आई एम सो एक्साइटेड. Summer rain on a window. Watch the time. अभी कार में है और मौसम काफी प्लेजेंट है. खिड़कियाँ भी खोली वगैरह है. बाहर इतना ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर. मेरे को अभी तक यानी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हूँ. मतलब बिलीफ सिस्टम मेरा थोड़ा डगमगा गया है. जितना हो सके आई एम ट्राइंग टू टेक एवरी मिनट इन and trying to soak every single ounce of my time here. हर लाल छत वाला कैफे मुझे
एमिली इन पेरिस लग रहा है. वो गाड़ी पार्क हो रही है. आई थिंक यही है हमारा सिचुएशन. ओ यही है. क्यूट. डस्टबिन के सामने है. दिस इज डे जीरो इन पेरिस. आज हमें कुछ करना नहीं था तो हमारे जो होटल है उसके नीचे इट्स लाइक अ वेरी बिजी स्ट्रीट और काफी सारे बिल्डिंग. आई डोंट नो पूरा पेरिस कैसा है पर हमारे होटल के नीचे कैसा है. ढेर सारे कैफेज क्योंकि हमारे होटल के सामने है गार दू नोर नॉर्थ स्टेशन ट्रेन स्टेशन. बिजी एरिया. सो क्यूट. सो अभी हमने सोचा कि आज कुछ नहीं करना तो वी विल वॉक and we'll keep walking. Okay, since this is Europe, I'm not sure about the food situation kyunki main vegetarian hu. I will try and eat fast food, junk food ya Subway, McDonald's to be safe and like save some euros. I have no like I have lipstick on my teeth. I still haven't like gathered the fact, but anyways, let's go on a walking tour of Paris with me. Les regards, c'est la grande arme de la coquetterie vertueuse. Parce qu'on peut tout. मैं इतना awkward और मतलब excited feel हो रहा है एक साथ. Feeling जो है मैं बयान नहीं कर पा रही नफ्सों में. Je t'ai les filets d'amour. Remonte-les dans 2000 ans. Gonna take my heart. Les mains se serrent, les mains se serrent, les mains se serreront fort. Sous un soleil de papier doux. Gonna take my journey. Je t'ai les filets d'amour. ये एरिया मुझे ऐसा लग रहा है क्या बोलते हैं हिल रोड. पेरिस का हिल रोड लग रहा है मुझे. कपड़े एंड ऑल बुटीक्स वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ की बस देखो कितनी बड़ी है. इतनी लंबी बस. फिर से बस इतनी लंबी क्यों है. बीच में टॉयलेट है क्या. कैमरा में भी आ नहीं रही है इतनी बड़ी है वो. चाहे मैं कुछ भी ना करूं एफर्टलेसली ये जगह एस्थेटिक है. एंड मैं जानबूझ के पूरा व्लॉग हिंदी में कर रही हूं ताकि मुझे कम ऑकवर्ड फील हो. यहां पे साइकिलिंग के लिए अलग से पाथ बना हुआ है इस तरह का ग्रीन कलर का. और इस साइड से सिर्फ साइकिलिस्ट जाते हैं. जिस पे मैं चढ़ी वो फुटपाथ है. काफ़ी बड़ा फुटपाथ है. इस फुटपाथ की मैं आदत नहीं है. फिर रोड है जो और काफ़ी बड़ा है. एंड उस साइड रिपीटिंग सिमिलर. मौसम आज का ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है क्योंकि मेरे पे आई स्वेयर चार बूंदें गिरी थी. अभी फिर से एक और बूंद गिरी. आप पे बारिश की बूंद गिरी अभी तक. फाइनली बारिश बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है. यहाँ एक भी इंसान के पास छाता नहीं है. ऐसा लगता है इन लोगों को आदत पड़ी हुई है इस तरह के मौसम की. सो मैंने एक छाता नहीं देखा किसी के ऊपर. देखो किसी के पास छाता नहीं है. अगर मैंने अपने आप को बारिश से प्रोटेक्ट किया तो मैं अकेली लगूंगी छाते वाली. दैट्स सो ऑकवर्ड. यहाँ तो हमें गीला होना पड़ेगा. इतना क्यूट सिग्नल है छोटा सा. तो छाते निकल चुके हैं लोगों के. बारिश हो गई है तेज. मैं अभी अपना छाता निकाल लूंगी. हमने डिसाइड किया हम मैकडॉनल्ड्स में खाएंगे क्योंकि यही सबसे सेफ ऑप्शन है. यहाँ वेज कुछ भी नहीं था. सब फ्रेंच में लिखा था. मुझे समझ नहीं आया बट इतना मुझे समझ आया कि यहाँ वेज नहीं है मैकडॉनल्ड्स में भी. अब मैं क्या करूँ. वेज होगा पर मुझे समझ ही नहीं आया क्या है. तो अब हम ट्राई करेंगे सब्वे. वहाँ तो एटलीस्ट मैं मतलब अपने मन से कुछ डाल सकती हूँ ना सब्वे सैंडविच में. फिंगर्स क्रॉस्ड. नहीं तो फिर तो सौ पेस्ट्री खा के मुझे दिन निकालने पड़ेंगे. तो फाइनली सक्सेसफुली हमने सबवे सैंडविचेस ऑर्डर कर लिए जो वेज हैं. थ्री चेयर्स फॉर अस. हम खाएंगे फ्रांस में हमारा पहला मील.
ब्रेड बहुत कुरकुरी है। इंडिया में इससे छोटी ब्रेड मिलती है। मैं चाहिए था कॉफ़ी लाटे बट हमें वो नहीं मिल पाया, मिसकम्युनिकेशन। मुझे अलग से मिल्क मंगाना पड़ा। अब हम लाटे पियेंगे। यहाँ नहीं मिलता फिजू पाव भाजी छोले भटूरे ये सब नहीं मिलता है। देश का खाना देश में खाना चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के जो महंगेपन में हमें खाना मिलेगा वो मुझसे बर्दाश्त होगा। जंक फूड खा के चिप्स वगैरह खा के मैं अपना गुजारा करूँगी क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं। प्लान में थोड़ा चेंज हुआ, 5 बजे हैं अभी एंड टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो गया बारिश आने की वजह से। ठंड काफ़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है सर पे भी कुछ पहनना चाहिए था बट इट्स ओके। और अभी हम चले जा रहे हैं एक शॉपिंग सेंटर या मॉल टाइप। यहाँ पे टैक्सी वगैरह बहुत महंगी है तो हम पैदल जाएंगे 3 किलोमीटर लाइक 30 मिनट्स वॉक। और भी कुछ करने को है नहीं हमारे पास। दिस इज आवर इवनिंग इन पेरिस। Summer rain on the window. Watch the time float on. Cool air blows a memento. एक तो यहाँ हर कोई अच्छा दिखता है, हर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और हर चीज़ यहाँ बहुत दूर है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बट आई कांट अफोर्ड थकना। और मैं हिंदी में ही बात करना चाहती हूँ ताकि किसी को समझ में ना आए मैं क्या बोल रही हूँ। हर जगह यहाँ देख देख के क्रॉस करना पड़ता है क्योंकि अगर गाड़ी नहीं चल रही हो तो कोई साइकिल आ जाएगा, कोई स्कूटर लेके आ भिड़ जाएगा। हमने चल के कितने यूरो बचा लिए फिजू अभी? चल 10-15 यूरो बचा लिए, दैट्स लाइक अराउंड 1000-1200 रुपीज। एक तो मैं वेज खाना ना मिलने की वजह से मैं कुछ ठीक से खा नहीं पाऊंगी, चल चल के मेरा काफ़ी कार्डियो हो जाएगा तो ये ना। और मैं जो चल रही हूँ मैं एक बहुत लाइक मिस्टीरियस फॉरेनर स्ट्रेंजर गर्ल की वाइब में चल रही हूँ पर मुझे पता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। इस व्लॉग की मेन कैरेक्टर तो मैं ही हूँ। आधे घंटे चलने तक भी हमें मॉल का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। ये मॉल नहीं है फिर पता नहीं क्या है। यहाँ एक चर्च है जहाँ घंटे बज रहे हैं और पीछे एक रेस्टोरेंट है बड़ा सुंदर सा। काफ़ी घूम गए हैं हम यहाँ, काफ़ी बिजी स्ट्रीट है देखो बट कितना पॉश मार्केट है। काफ़ी यूरोप फील्स, वेरी लिवेबल प्लेस। तो फिजू कहाँ है ये मॉल? एक्चुअली हमारे पैर बहुत थक गए हैं, मैंने तो फिर भी शूज पहने, फिजू ने पता नहीं क्या पहना है, लोफर्स। बारिश है और मतलब चलना है पर इन्होंने पहने ये चप्पल। तो हम चले मॉल की तलाश में। गेस व्हाट गाइस, मॉल मिल गया है। ये रहा पेरिस का मॉल, काफी बिजी जगह इसलिए है और सब शॉपिंग बैग्स लेके आ रहे तो हम समझ गए थे कि ये मॉल है। ये मुझे नहीं पता मैं कुछ खरीदूंगी कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द प्राइसेस। एक्सप्लोर जरूर करेंगे थोड़ी देर। ये काफी बड़ा मॉल है, मतलब स्टेशन लग रहा है मुझे, एयरपोर्ट रियली बिग। मुझे इसका नाम नहीं पता है, आई एम सो सॉरी, तो मैं यहाँ लिख दूंगी इसका नाम क्या है। जिस हिसाब से लग रहा है काफी बड़ा मॉल लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं पूरा देख पाऊंगी क्योंकि मेरे पैर टूट गए। Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule et t'es arrivée. T'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. मॉल काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे ब्रांड्स, ऑफ कोर्स इतना बड़ा तो ब्रांड्स बहुत हो गए बट थिंग इज जो प्राइसेस हैं चीज़ों के और चीज़ें भी जो हैं ऑलमोस्ट सेम है इंडिया जैसी। लाइक फॉर एग्जांपल H&M या ज़ारा, तो इंडिया में भी लाइक सेम प्राइस में सेम कपड़े मिल जाते हैं। अगर मुझे कोई शॉप करना पड़ेगा तो मैं ऐसी चीज़ करूँगी फॉर एग्जाम्पल मेकअप या स्किन केयर जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जैसे रेयर ब्यूटी। राइट आई एम लुकिंग फॉर सेफोरा। मिल गया सेफोरा गाइज, सेफोरा। Are you kidding? Really? It's true. Oh my god. You got this. Fighting girl. Fighting. वो दो चीजों के चक्कर में मैंने काफी शॉपिंग कर ली है गाइस। That's a lot of stuff from
रेयर ब्यूटी एंड फेंटी ब्यूटी. मुझे लगता है इसका हॉल वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा मुझे. मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बट आई एम सो हैप्पी आई गॉट दिस. तो हम थोड़े बहुत पैसे उड़ा के वी आर लीविंग दिस जाइजेंटिक मॉल. इतने थके हुए हैं और कल सुबह पूरे शहर का हमें टूर करना है, तो देखते हैं अब क्या होता है ज़िंदगी का. हमने सोचा था हम मॉल में डिनर कर लेंगे पर अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं और यहाँ सब शॉप्स बंद हो गई. 8:30 तक सब बंद हो गया. आई डोंट नो क्या सिस्टम है पेरिस की, मतलब मॉल 8:30 क्यों बंद हो गए, क्योंकि इंडिया में तो 10 बजे तक चलता है. इसलिए हमें बाहर जाके खाना पड़ रहा है. बाहर खाना बहुत महंगा है, बाहर वेजिटेरियन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है.